हाय गाइज, माय नेम इज चंद्रशेखर बरोला और मेरा नंबर है 9 8 9 1 2 3 0 0 8। और हम पढ़ रहे थे इन्फॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट, और इन्फॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट में ओवरव्यू ऑफ इन्फॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट पढ़ने लगे थे। यानी हम इन्फॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटर हैं और ओवरव्यू हम क्या करेंगे, किस तरह से करेंगे, क्या फंडामेंटल्स होते हैं, क्या नीड्स होती है इन्फॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट की, एक ओवरव्यू देने की कोशिश की है, मतलब समराइज़ करने की कोशिश की है। तो पिछले सेशन में हमने फंडामेंटल्स पढ़े थे कि एक ऑर्गेनाइजेशन में इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट फंक्शंस हम एस्टेब्लिश कर रहे हैं तो वहाँ पर क्या फंडामेंटल्स होंगे। और सबसे पहले फंडामेंटल्स में हमने ऑडिट चार्टर पढ़ा था, फिर बाद में स्ट्रक्चर और रिपोर्टिंग, फिर स्टाफिंग कैसे करेंगे, फिर उसके बाद पीयर रिव्यू वगैरह होगा, क्वालिटी असेसमेंट वगैरह होगा, इंटरनल ऑडिट कंट्रोल फ्रेमवर्क बनेगा। लेकिन सबसे पहले पढ़ा था ऑडिट चार्टर। अब हम ऑडिट चार्टर के बारे में हमारी स्टडी में डिटेल में दिया हुआ, उसके बारे में पढ़ेंगे। बेसिकली ऑडिट चार्टर का रीज़न क्या होता है, असल में चार्टर वाटर ये सारी चीज़ें क्यों होती हैं। बेसिकली क्या होता है, कंपनी में नीचे बड़े वेस्टेड इंटरेस्ट बैठे होते हैं और वो कभी नहीं चाहते कि वो कोई उनको ऑडिट करे, क्योंकि ऑडिट करेगा तो उनके काम में गलतियां निकालेगा, काम में गलतियां निकालेगा तो वो चाहते नहीं हैं उनको ऑडिट करे और उनके काम में कोई गलती निकले, उनकी जॉब में कोई प्रॉब्लम हो। तगड़े वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं, तो टॉप मैनेजमेंट को जो इस टाइप के फंक्शंस होते हैं उन्हें सपोर्ट देना पड़ता है, क्योंकि टॉप मैनेजमेंट की बैकिंग नहीं है तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। और कई बार क्या होता है, टॉप मैनेजमेंट में भी ऐसे एलिमेंट होते हैं जो नहीं चाहते हैं वो सब चीज़ें हों, क्योंकि उनके डिपार्टमेंट की चीज़ें निकल के आएंगी, और जब उनके डिपार्टमेंट की चीज़ें निकल के आएंगी तो उन पर क्वेश्चनिंग आएगी। तो बेसिकली जो ऑडिट चार्टर है, चार्टर जो है वो टॉप एक पूरी मैनेजमेंट कमेटी वगैरह बैठती है और वो बोलती है ठीक है, हाँ ये चार्टर है, ऑडिट चार्टर बना दिया जाता है। तो ये सारी चीज़ें ऑर्गेनाइजेशन को इस बात से सेंसिटिवटाइज करती हैं कि भाई ये फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस फंक्शन के साथ आप को मजाक मत समझो, चाहे किसी का भी डिपार्टमेंट हो, कोई भी बंदे हो, ये फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऑडिट चार्टर क्या है, टॉप लेवल डॉक्यूमेंट है एक ऑर्गेनाइजेशन में जो ऑडिट फंक्शंस का पर्पस बताता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बताता है, अथॉरिटी बताता है और किसको रिपोर्टिंग करनी है, ये सारी चीज़ें उसमें होती हैं ऑडिट चार्टर में। तो ऑडिट चार्टर में एक बार ऑडिट फंक्शंस बता दी गई, रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी उसकी अथॉरिटी उसे बता दी गई, तो फिर उसे किसी से बात करने की ज़रूरत नहीं होती है। वो बोलता है कि मेरी अथॉरिटी है सर, ये तो चार्टर में लिखी है मेरी अथॉरिटी, मतलब उससे कहेगा किसने कह दिया। ऑडिटर को डराने धमकाने वाले भी हो जाते हैं क्योंकि इनका वेस्टेड इंटरेस्ट आ रहा होता है, बोलता है आपके पास अथॉरिटी कहाँ से इस पर ये कहने की। तो आदमी कह सकता है ऑडिट चार्टर में अथॉरिटी दी गई सर, टॉप मैनेजमेंट में अथॉरिटी दी गई है और एक चार्टर क्रिएट किया गया है। तो ऑडिट चार्टर सीनियर मैनेजमेंट के द्वारा अप्रूव्ड होता है, तो यानी कि वो सीनियर मैनेजमेंट की अथॉरिटी वहां से फ्लो कर रही होती है। तो ऑडिट चार्टर जो है सीनियर मैनेजमेंट एस्टेब्लिश करेगा और ये डॉक्यूमेंटेशन जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी अकाउंटेबिलिटी ये बताएगी और पीरियोडिकली रिव्यू करना चाहिए इंडिपेंडेंस, ताकि इसकी इंडिपेंडेंस एश्योर हो, अथॉरिटी और अकाउंटेबिलिटी एश्योर हो और ये हम ऑडिट फंक्शंस में ये सारी चीज़ें मेंटेन की जा सके। इसके अलावा मैनेजमेंट को ये एश्योर करना चाहिए कि ऑडिटर जो है वो आईटी एक्टिविटीज़ को रिव्यू कर सके। तो वो आईटी एक्टिविटीज़ को कब रिव्यू कर सकेगा, जब वो टेक्निकली कॉम्पिटेंट होगा, कलेक्टिवली वो ऐसे स्किल्स और नॉलेज पोजेस करते होंगे। अगर मान लिया सपोज एक ऑडिट डिपार्टमेंट है तो उसमें 3-4 एक ऑडिटर हैं, तो नेसेसरी स्किल्स, मिनिमम स्किल्स होनी चाहिए उस डिपार्टमेंट में, स्किल्स और नॉलेज होनी चाहिए ताकि वो ऑडिट फंक्शंस को इफेक्टिव, एफिशिएंट और इकोनॉमिकल मैनर में कर सकें। तो मैनेजमेंट ये सारी चीज़ें मैनेजमेंट देखेगा, मतलब जो चार्टर, ये पहले तो उसने चार्टर बनाया और उसके बाद उसने इंडिपेंडेंस, अथॉरिटी, अकाउंटेबिलिटी उसकी एश्योर की। भाई अकाउंटेबिलिटी किसकी होगी, हमने जैसे पिछले सेशन में बोला इंटरनल ऑडिट कमेटी है तो उसको अकाउंटेबल बना दो, वो ऑलरेडी इंडिपेंडेंट रहती है, इंडिपेंडेंट कमेटी होती है और उसके गोल्स को आईटी की इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट कमेटी मीट आउट कर सकती है, यानी गोल कॉन्ग्रेंस हो जाएगी वहाँ पर, एक दूसरे को हेल्प कर देंगे तो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर देंगे। लेकिन उसमें जो आदमी है वो कॉम्पिटेंट होनी चाहिए और वो उनके पास नॉलेज और स्किल होनी चाहिए ताकि इन्फॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट अगर वो कर रहे हैं तो एफिशिएंट, इफेक्टिव और इकोनॉमिकल मैनर में करें। इफेक्टिव हमने बोला ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को मीट आउट करना इफेक्टिवनेस होती है, अगर आप मीट आउट कर रहे हैं इफेक्टिवनेस, एफिशिएंट मतलब सब कम से कम रिसोर्सेज से
आपका काम कर रहे हो, कम ऑप्टिमम रिसोर्सेस, मिनिमम रिसोर्सेस लेकर आप गोल्स को अचीव कर रहे हो, तो आप एफिशिएंट हो, एफिशिएंट और इकोनॉमिक मैनर में आप इफेक्टिव और एफिशिएंट के बीच में ये डिफरेंस है। तो मैनेजमेंट ये इंश्योर करेगा कि जो ऑडिट स्टाफ है वो एक पर्टिकुलर आईएएस ऑडिट कर रहा है और वो टेक्निकली कॉम्पिटेंट है, और वो दूसरी बात ये है कि वो कंटिन्यूस प्रोफेशनल एजुकेशन ले रहा है जिससे अपने स्किल्स अपग्रेड हो रहे हैं, उसके पास अथॉरिटी है, उसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और चार्टर में ये सारी चीज़ें दी गई हैं और चार्टर अप्रूव्ड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमारी स्टडी कहती है कि ऑडिट चार्टर को हम तीन आस्पेक्ट में बांट सकते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी और अकाउंटेबिलिटी। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी में जो है, रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर हम उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी में एक तो मिशन स्टेटमेंट आ जाएगा, वो बताएगा क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एम्स और गोल्स आ जाएंगे, स्कोप आ जाएगा, ऑब्जेक्टिव आ जाएगी, और उसके अलावा इंडिपेंडेंस आ जाएगी। इसके अलावा आपका क्या रिलेशनशिप है एक्सटर्नल ऑडिट ऑडिटर से, ऑडिट से क्या रिलेशनशिप है, ऑडिटर की क्या रिक्वायरमेंट है, क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स क्या हैं, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स क्या हैं, दूसरे परफॉर्मेंस मेजरमेंट है जो कि जिसकी उसे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। इसके बाद अथॉरिटी आएगी, अथॉरिटी में रिस्क मैनेजमेंट है, और उसके अलावा राइट्स होनी चाहिए भाई, अथॉरिटी के तो राइट्स होनी चाहिए, इन्फॉर्मेशन, पर्सनल लोकेशन, इन सबको एक्सेस करने के लिए। अगर मान लिया सपोज कोई परफॉर्मेंस ऑफ ऑडिट कर रहे हैं, ऑडिट परफॉर्म कर रहे हैं, तो आपको हर चीज़ की इन्फॉर्मेशन चाहिए, आदमी की लोकेशन की, कौन सा लोकेशन है, कहाँ पर क्या सिस्टम है, कौन सा आदमी कहाँ पर बैठा हुआ है, क्या आदमी क्या डील कर रहा है, राइट टू एक्सेस इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। उसके अलावा स्कोप होना चाहिए, और उस स्कोप में क्या लिमिटेशंस हैं ये होनी चाहिए ताकि उसको अपनी अथॉरिटी की लिमिट्स पता चल सकें, कौन से फंक्शन उसे ऑडिट करना है, ऑडिट की एक्सपेक्टेशन क्या है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, रिपोर्टिंग लाइंस क्या हैं, बोर्ड और सीनियर मैनेजमेंट की रिपोर्टिंग लाइंस क्या है, आईएएस ऑडिट स्टाफ है उसकी ग्रेडिंग क्या है। उसके बाद अकाउंटेबिलिटी होती है, अकाउंटेबिलिटी में क्या है कि आपको सीनियर मैनेजमेंट की गाइडलाइंस के अनुसार रिपोर्ट करना पड़ता है, अगर कोई आपको ऑडिटी के राइट्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, और आप अपना स्किल्स कंटिन्यूसली अपग्रेड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इंडिपेंडेंट क्वालिटी रिव्यू होने चाहिए, और इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए। तो बेसिकली ऑडिट चार्टर क्या करेगा, ऑडिट चार्टर एम्पावर करेगा, एक कमिटी को एम्पावर करेगा, और इवन टॉप मैनेजमेंट में कोई आदमी है उसका डिपार्टमेंट सही तरीके से काम नहीं कर रहा है तो वहाँ पर भी वो अथॉरिटी दिलाएगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी दिलाएगा, और उसकी एक कोई अकाउंटेबिलिटी होगी। ये सारी चीज़ें क्लियर कट जो है ऑडिट चार्टर में आएंगी। तो एक ऑर्गेनाइजेशन में ऑडिट चार्टर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक्स।